आज आप लोग के साथ हम आए हैं एक मतलब कि बहुत ही साधारण लड़का का जो बहुत संघर्ष किया उसका कहानी लेकर आए हैं। तो आप जैसे कि अभी आप बाहर देख रहे होंगे कि इंडिया इंग्लैंड का टेस्ट मैच चल रहा है, इसमें सेकंड टेस्ट मैच में फर्स्ट इनिंग में यशस्वी जायसवाल नाम का लड़का, यशस्वी जायसवाल उसको आप कह सकते हैं तेजस्वी जायसवाल तपस्वी जायसवाल, 150 शतक मार के इंग्लैंड के बॉलर के धागा खोल दिया। लेकिन उसके अलावा और कोई बैट्समैन चला नहीं। दूसरा इनिंग में शुभमन गिल अच्छा किया है कमबैक, 104 रन ठोक दिया, देखिए इंग्लैंड के 300। खैर उस सब तो हटाइए मैच का, तो बाद में प्रीव्यू देंगे आपको। आपको पता है यशस्वी जायसवाल का संघर्ष कितना रहा है? 10 साल की उम्र में एक लड़का घर छोड़ के जाता है मुंबई सपनों की शहर में, वहां पर जाके उसको रहने के लिए मतलब रूम नहीं रहता है तो मैदान में रहता है, खुला टेंट के नीचे सोता है। 10 साल का लड़का 8 साल तक संघर्ष करता है, गोलगप्पा बेचता है, पहले और कहीं भी काम करता था, लेकिन उसका मालिक कहता था कि तुम टाइम नहीं देते हो तो उसको गोलगप्पा बेचना स्टार्ट करता है। लेकिन गोलगप्पा बेचते समय उसको मतलब एक क्रिकेटर, क्रिकेट के कोच ज्वाला सिंह जिनका नाम पड़ा, उनका नजर पड़ता है बारीकी से लड़के पर। और देखिए कल का जो मतलब बोल सकते हैं संघर्षमय लड़का था वह आज का सुपर स्टार बन चुका है। अब आने वाले फ्यूचर में आप समझ सकते हैं कि हमको नहीं लगता है कि यशस्वी जायसवाल से आगे कोई भी बैट्समैन निकल पाएगा, न उसके जैसा कोई पास टेक्निक है और न कुछ मारता है। तो गड़दौड़ा के अलग बात है कि सेकंड इनिंग में ही चल गया, लेकिन आप सब उसको सपोर्ट कीजिए एकदम पूरा, गड़ियाइए उसको नहीं है, आधे इनिंग खराब हो जाता है, ऐसा नहीं है कि कोई अमृत पी का है, सब उसको पूरा सपोर्ट कीजिए। अपना लड़का है, अपना मतलब कि भाई है यशस्वी जायसवाल, समझे कि नहीं, पूरा देश का भाई है। और 200 शतक समझ रहे, छोटा मोटा चीज नहीं है, इतना कम होना।